यहाँ पे मैं आवाज तो कर रहा हूँ लेकिन ये मेरे ऊपर अटैक नहीं कर रहा। भाई साहब ये क्या था। तो गाइस स्वागत है आप सभी का हमारे एक नई वीडियो में, और आज के इस वाले वीडियो में हम खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट 1.19 का एक नया बीटा। और ये बीटा वर्जन कुछ दिनों पहले ही रिलीज हुआ है, जिसमें माइनक्राफ्ट वालों ने ऐड किया है वार्डन का एक नया अटैक, और इसी वाले वर्जन में माइनक्राफ्ट वालों ने स्पेक्टेटर मोड भी ऐड किया है। तो गाइस ज्यादा देरी ना करके चलिए शुरू करते हैं। ओके तो गाइस सबसे पहले हम एक वर्ल्ड क्रिएट कर लेते हैं, और जैसे कि आप देख सकते हो गेम का यूआई भी चेंज हो गया है। वैसे ये यूआई भी पहले जैसा ही है, बस ये दिखने में थोड़ा सा अलग है। आप समझ सकते हो कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ओके तो अब मैं वर्ल्ड क्रिएट कर लेता हूँ। सो गाइस मैं यहाँ पे स्पॉन हो गया हूँ शायद स्नो बायोम में। ओके तो गाइस सबसे पहले हम देखने वाले हैं पॉकेट एडिशन का स्पेक्टेटर मोड, और स्पेक्टेटर मोड में जाने के लिए आपको सबसे पहले हवा पे आ जाना है। और मैंने अभी एक चीज नोटिस किया कि मैं क्रिएटिव में हूँ लेकिन मेरा हेल्थ और हंगर बार दिख रहा है। तो गाइस स्पेक्टेटर मोड में आने के लिए सबसे पहले आपको चैट खोलना है, देन ये लिखना है /gamemode6 देन एंटर कर देना है। तब आपका वर्ल्ड एक बार लोड होगा और आप स्पेक्टेटर मोड में आ जाओगे। और जैसे आप क्रिएटिव में अपने कैरेक्टर को कंट्रोल करते हो, बिल्कुल उसी तरीके से आपको इसमें भी करना है और आप स्पेक्टेटर मोड यूज कर पाओगे। तो गाइस अभी मैं दिख कर रहा हूँ एंशियंट सिटी की तरफ, और वहां जाके हम देखेंगे वार्डन का नया अटैक जो कि है सोनिक बूम। ओके तो हम आ गए हैं एंशियंट सिटी में, और अभी मुझे सिर्फ आवाज करना है और वार्डन को बाहर लाना है। और गाइस ये चीज जो आप देख रहे हो ये शायद एक पोर्टल का फ्रेम है, नहीं भी हो सकता है। और गाइस 1.19 के बीटा में एक म्यूजिक डिस्क भी ऐड हुआ है जो कि है म्यूजिक डिस्क 5, और इसे क्राफ्ट करने के लिए आपको म्यूजिक डिस्क फ्रेगमेंट ढूंढना होगा जो कि आपको एंशियंट सिटी में ही मिलेगा। और ये रहा उसका क्राफ्टिंग रेसिपी। सो गाइस मुझे यहाँ पे दो चेस्ट मिला है, और म्यूजिक डिस्क फ्रेगमेंट्स भी आपको इन्हीं चेस्ट में से मिलेंगे। और यहाँ पे मैं तब से आवाज तो कर रहा हूँ लेकिन वार्डन बाहर नहीं आ रहा, लेकिन उसके बदले मेरे पीछे बहुत ही ज्यादा क्रीपी साउंड चल रहा है। और ये तभी हो रहा है जब मैं इस चेस्ट को ओपन कर रहा हूँ, जैसे कि आप सुन सकते हो फिर से हुआ, अभी हार्ट बीट वाली आवाज भी सुनाई दे रहा है। ओके तो मैं अब कुछ आइटम्स चेस्ट में से निकाल के देखता हूँ तब क्या होता है। सो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो कुछ भी नहीं है। सो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो क्या ही खतरनाक साउंड करके बाहर आता है। सो गाइस अभी मैं देखने वाला हूँ वार्डन का सोनिक बूम अटैक। इसके लिए मैं जो है थोड़ा दूर आ गया हूँ वार्डन से, क्योंकि अगर मैं वार्डन के पास रहा तो वार्डन सोनिक बूम अटैक नहीं यूज करेगा। तो गाइस अभी मैं गेम मोड को चेंज करके कर देता हूँ सर्वाइवल, एंड देन हम आवाज करेंगे जिससे वार्डन हमें अटैक करेगा। ओ भाई वार्डन के सामने नाइट विजन का पोशन काम नहीं करता। छोड़ यार कोई बात नहीं, अब हम जो है आवाज करते हैं एंड देन देखते हैं कि वार्डन हम पे अटैक करता है या फिर नहीं। और यहाँ पे फिर से हार्ट बीट पड़ने लगा, और यहाँ पे मुझे वार्डन कभी भी अटैक कर सकता है अपने सोनिक बूम से। ओ नहीं ये रहा वार्डन। यहाँ पे मैं आवाज तो कर रहा हूँ लेकिन ये मेरे ऊपर अटैक नहीं कर रहा। भाई साहब ये क्या था। हाँ मुझे पता है कि ये सोनिक बूम है लेकिन यार एक ही हिट में खत्म कर दिया। तो गाइस मैं यहाँ पे फिर से मार खाने आ गया, और यहाँ पे ये तब से घूमे जा रहा है लेकिन मेरे ऊपर अटैक नहीं कर रहा। अब कर दिया। और गाइस सोनिक बूम जो है दूर से कुछ ऐसा दिखता है जैसे कि आप देख सकते हो। और गाइस अगर आप अपने सामने एक 40 लेयर वाली वॉल बना देते हो तो वार्डन आप पे तब भी सोनिक बूम से अटैक कर सकता है जैसे कि आप देख सकते हो। सो गाइस वीडियो कैसे लगा आप कमेंट में बताओ, और अगर आप मेरे वीडियो पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।